नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से और जो कि बहुत ही सस्ते दामों पे आपको मिल रहे हैं, एक मिट्टी के भाव पे मिल रहे हैं। बहुत ही सस्ता शेयर है और आपका इसमें डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। डिविडेंड यील्ड इतना जबरदस्त है कि आपके 5 से 10 साल में आपके सारे रुपया जो है रिटर्न हो जाएंगे, मतलब जितना आप इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न मिल जाएंगे 5 से 10 साल में। तो ऐसे ज़बरदस्त स्टॉक में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही ज़बरदस्त स्टॉक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से है। तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है जिसे आप देख करके स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। जैसे मनी कंट्रोल का ऐप हम कैसे यूज करेंगे, उससे सारे फंक्शन को कैसे सीख सकते हैं तो देख सकते हैं, उस पर हमने एक वीडियो बना दिया है, आप जाकर के इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए, तो हमारा पहला जो शेयर है वो है कोल इंडिया। दोस्तों कोल इंडिया बहुत ही बेहतरीन शेयर है, अपने सेक्टर का एक मोनोपोली बिजनेस वाला है, लेकिन इधर के कुछ दिनों से न्यूज़ आ रहा है कि इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे FDI को मतलब इसमें लाने वाले हैं जिससे कि इसका मोनोपोली खत्म हो सकता है। लेकिन अभी तक इनका जो बिजनेस है पूरी तरह से मोनोपोली वाला है। और ये देखते हैं अभी जो करेंट प्राइस है 125 रुपीज़ 50 पैसा और ये लास्ट ट्रेडिंग के 1 रुपीज़ अप है। और अगर आप बात करें 5 डेज का तो देख सकते हैं 5 डेज में ये इसका चार्ट कुछ खास नहीं है, फ्लैट रहा है। 1 मंथ में देखते हैं बहुत ही डाउनवर्ड, मतलब बहुत ही करेक्शन देखने मिला है इस स्टॉक में। 6 मंथ में देखिएगा तो और भी बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें आया है। देख सकते हैं जो हमारा कोरोना वायरस है उसके पैंडमिक के कारण ये स्टॉक्स देखते हैं 212 रुपीज़ का था, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 125 रुपीज़ पर आ चुका है, मतलब अप्रॉक्स 0.5%, मतलब 50% ये करेक्ट हो चुका है। तो ऐसे में आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। उसके बाद एयरटेल रेट का रिटर्न देखिएगा तो वो भी देख सकते हैं बहुत ही नीचे आ चुका है ये स्टॉक्स। एयरटेल रेट की बात करें तो देख सकते हैं जो 1 जनवरी है 1 जनवरी के आसपास ये 212 रुपीज़ का हुआ करता था। उसके बाद आप 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे तो 5 ईयर्स में देखते हैं ये 400 रुपीज़ का ये स्टॉक्स हुआ करता, 400 से भी एवर प्राइस का। मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं कि लगातार ये स्टॉक्स जो है इधर गवर्नमेंट सेक्टर जो है हमारा अंडर परफॉर्म किया है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो आप 14.22% समझ सकते हैं, 14x7 कर दीजिए, मतलब 7 ईयर्स में आपका पूरी तरह से जो मनी है वो रिफंड हो जाएगा। तो समझ सकते हैं जो डिविडेंड यील्ड होता है वो करेंट प्राइस का होता है, करेंट प्राइस का 14% डिविडेंड, तो 100% आने में कितना, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स में आपका पूरा का पूरा मनी रिफंड, मतलब जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना रिटर्न। तो समझ सकते हैं ऊपर से इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो अलग, जो रिटर्न होगा 7 ईयर्स में निश्चित है कि ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि अभी जो ये प्राइस मिल रहा है ये प्राइस आपको कभी फिर से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पैंडेमिक के कारण, ये जो हमारा सिचुएशन है इस पैंडेमिक के कारण या कहीं इस क्राइसिस के कारण आपको इतने सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर करें, अपना जो डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले लें। उसके बाद हमारा देखते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC। दोस्तों इस स्टॉक पे हम भी इन्वेस्ट किए हैं। देखते हैं इसका भी डिविडेंड यील्ड देखते हैं 10% है, 10% मतलब 10 ईयर्स में आपका मनी पूरी तरह से रिफंड हो जाएगा। और ऊपर से यहाँ पर आप चार्ट देखिए, ये स्टॉक्स भी बहुत ही लो वैल्यूएशन, मतलब 50% करेक्शन पे आपको मिल रहा है। 1 मंथ का रिटर्न देखिएगा तो देखते हैं बहुत ही स्टॉक करेक्ट हो गया है, बहुत ही प्राइस में करेक्शन आया है। 6 मंथ का देखिएगा तो ये स्टॉक्स यहाँ पर देखिए 132 रुपीज़ 55 पैसा, अभी आप देख सकते हैं 75 रुपीज़ 65 पैसे पर ये स्टॉक्स मिल रहा है, तो मतलब 70 रुपीज़ का ये स्टॉक्स। और यहाँ पर देखिएगा तो लो 52 वीक लो 71 रुपीज़ तक ये आ चुका है। अब एयरटेल रेट आप देखिएगा तो ये देख सकते हैं स्टॉक 125 रुपीज़ 127 रुपीज़ इतना का स्टॉक्स था, अब बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पे मिल रहा है। 1 ईयर का देखिएगा तो 1 ईयर में देखते हैं 52 वीक हाई जो है 170 रुपीज़, यहाँ से आप देखते हैं कितना ज़्यादा करेक्शन, मतलब 70% 80% करेक्शन पे ऐसे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का, जिसके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, मतलब इस ये कंपनी कभी भी डूबने वाली नहीं है। और फिर भी इसके स्टॉक्स देख सकते हैं आपको इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, कभी ये स्टॉक्स 200 रुपीज़ से अबव प्राइस का हुआ करता था।
फिर मैक्सिमम एरिया का चार्ट देखेगा तो देखते हैं ये 200 रुपीज़ से एबव, तो यहाँ से देखते हैं 2014 से ये ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, उसके बाद फिर से इसमें अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक्स में। गवर्नमेंट सेक्टर हमारा पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म रहा है, तो ऐसे में PSU सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आपके पास, साथ साथ अब जो है ऐसा माना जा रहा है कि आगे चल करके PSU सेक्टर एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अब जो बहुत सारे PSU के सेक्टर के जो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो कंपनियां बच गई वो निश्चित है गवर्नमेंट उस पर ध्यान देंगे, वो अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पहला तो आपका रुपीज जो है 5 से 10 साल में रिटर्न हो जाएगा डिविडेंड के रूप में। तो इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना रिसर्च कर लें, थोड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लें, फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ONGC, दोस्तों ये स्टॉक्स और भी बेहतरीन है। आप देखते हैं इसका डिविडेंड 16% का, तो मतलब 6 ईयर में आपका पूरा जो अमाउंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा डिविडेंड के रूप में। उसके बाद आपके पास जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बनेगा वो एडिशनल होगा, साथ साथ डिविडेंड आपके रूप में 6 साल में आपका मनी रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक जो है देख सकते हैं कि ये अपना 52 वीक हाई 178 रुपीज़, मतलब इतना महंगे स्टॉक्स आपको अभी बहुत ही लो वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। और 52 वीक लो देखिएगा 50 रुपीज़, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन तक ही आ चुका था। अगर आप यहां पर अगर और करेक्शन आता है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें। आप देखिएगा 1 मंथ का चार्ट, तो देख सकते हैं 1 मंथ में इसमें जो कुछ खास नहीं रहा है प्राइस मूवमेंट। 6 मंथ में आप देखते हैं तो जो पैंडमिक सिचुएशन है, जो लॉकडाउन है, जो कोरोना वायरस का इंपैक्ट है, सारे स्टॉक्स पे पड़ा है, देखते हैं बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने मिला है। 1 ईयर का देखिएगा तो देखते हैं ये स्टॉक्स 173 रुपीज़ का साल के शुरुआत में हुआ करता था, और अभी तक में देख सकते हैं मतलब 1 साल पहले हुआ करता था, अभी आप देखते हैं मात्र 76 रुपीज़ में ये स्टॉक्स मिल रहा है। 5 ईयर्स का चार्ट देखिएगा तो कुछ खास नहीं है, लगातार ये स्टॉक्स जो है अपने मतलब 5 ईयर से एक ही प्राइस पर बना हुआ था। उसके बाद आप मैक्सिमम ईयर्स में कहते हैं तो देखते हैं पहले भी ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, और फिर ये स्टॉक्स जो आगे चल के आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इतने लो प्राइस पे आपको ये स्टॉक्स कभी नहीं मिलेंगे, और PSU सेक्टर का स्टॉक्स है, और डिविडेंड यील्ड आपने देख लिया कितना शानदार है 15.69% का, और PE रेशियो देखिएगा मात्र 4.50 का। PE रेशियो देख सकते हैं मात्र मतलब 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको मात्र 4.50 रुपीज़ लगाना पड़ रहा है, और वही IOC का देखिएगा तो इसमें भी आपको 5.43 रुपीज़ लगा रहा है 1 रुपया अर्न करने में। कोल इंडिया देखिएगा 4.28 रुपीज़ लगाना पड़ रहा है 1 रुपया अर्न करने के लिए, तो इतना सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, मतलब इतना सस्ता वैल्यूएशन आपको किसी भी स्टॉक में नहीं मिलेगा, इतने सस्ते पी पर आपको कोई भी स्टॉक्स अभी नहीं मिल रहा है। अभी देख सकते हैं अब वही चौथा जो स्टॉक है हमारा SBI, इसका पी देखिएगा तो 9.56, मतलब और सभी स्टॉक से ये 2 गुने PE रेशियो पर भी आपको मिल रहा है, इसमें कोई डिविडेंड भी आपको नहीं मिलता है, लेकिन SBI में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये भी स्टॉक्स बेहतरीन है, क्योंकि ये भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन 50% से ज़्यादा का करेक्शन मिल रहा है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं SBI में। तो चौथा शेयर हमारा SBI जो कि अभी 151 रुपीज़ पर मिल रहा है, आप 6 मंथ का रिटर्न देखिएगा तो देख सकते हैं ये भी स्टॉक 320 रुपीज़ का था, और यहाँ पर देखिएगा तो देख सकते हैं 349 रुपीज़ का, जो 28 नवंबर था, नवंबर महीने में ये 350 रुपीज़ का स्टॉक्स था, और अभी आपको मिल रहा 151 रुपीज़ पर, 50% से भी ज़्यादा करेक्शन पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहा है। 1 ईयर का रिटर्न देखिएगा तो 1 ईयर के रिटर्न में बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। 1 ईयर के रिटर्न में भी देख लीजिए ये स्टॉक्स कभी 367 रुपीज़ का हुआ करता था, मतलब 350 रुपये से भी अधिक का ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है मात्र 151 रुपीज़ पे। उसके बाद 5 ईयर्स का हम बात करते हैं, 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स पहले भी कई बार जो है नीचे के प्राइस पर आ चुका है, 150 रुपीज़ के प्राइस पर 2016 में ये स्टॉक्स यहाँ आया था, फिर से ये परफॉर्म किया था और 350 रुपये से मैक्सिमम तक गया था, मतलब पहले भी ये एक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। फिर मैक्सिमम ईयर की बात करें तो मैक्सिमम देख सकते हैं ये स्टॉक्स बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है, देखते हैं 2000 ईस्वी में ये स्टॉक्स मात्र जो है 19 रुपीज़ का हुआ करता था, वहाँ से ये 350 रुपये तक गया, मतलब समझ सकते हैं आप जो है ये 20 टाइम्स 30 टाइम्स का मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पे। और अभी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अभी ये स्टॉक्स आपको 70% से ज़्यादा के करेक्शन पे मिल रहा है, तो आप ऐसे स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें, ये PSU सेक्टर का स्टॉक्स है,
और आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। वहीं 52 वीक लो देखिएगा 149 रुपीज़ है, जो कि अभी पिछले ट्रेडिंग डे ही बनाया है, मतलब जो हमारा ये लास्ट ट्रेडिंग डे जो ये क्लोज हुआ है उसी दिन ये 52 वीक अपना लो बनाया है 149 रुपीज़ का, और अपने ये 52 वीक लो पे चल रहा है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको एक बेटर रिटर्न देगा। तो ऐसे PSU सेक्टर के स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें अगर आप डिविडेंड के लिए जा रहे हैं, मतलब मुख्य रूप से अगर आप डिविडेंड चाहते हैं, मतलब आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए डिविडेंड के रूप में, या कहें एक रेगुलर इनकम चाहिए स्टॉक मार्केट से, तो आप इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिविडेंड के लिए आप ITC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्फोसिस में कर सकते हैं, TCS में कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको डिविडेंड के रूप में शानदार रिटर्न देंगे। ग्रोथ के रूप में बहुत ही कम आपको ये रिटर्न देंगे, लेकिन डिविडेंड के रूप में आपको शानदार रिटर्न देंगे। ये जो तीन कंपनियां हैं, जो कोल इंडिया है, IOC है, वो NGC है, ये आपको डिविडेंड के रूप में एक ज़बरदस्त रिटर्न देख सकते हैं, 16% का रिटर्न देंगे, जो आपको हर साल है, हर साल 16% का कंस्टेंट रिटर्न किसी भी स्टॉक में नहीं मिलता है। आपको ये डिविडेंड के रूप में हमेशा कांस्टेंट रिटर्न 16% का देंगे, साथ साथ ग्रोथ का भी रिटर्न आपको मिलेगा। तो दोनों रिटर्न आपको एक साथ मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिविडेंड के व्यू से, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेगुलर इनकम के व्यू से, तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कोल इंडिया, IOC, ONGC, इन्फोसिस, TCS, और साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये चारों स्टॉक्स, तीन स्टॉक्स हमारा पहले हो गया SBI, इसके साथ साथ क्योंकि SBI आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न पहले भी दिखा चुका है कि ये 30 टाइम्स का मल्टीबैगर रिटर्न पहले भी दे चुका है। साथ ही साथ SBI आपको गवर्नमेंट का सिक्योरिटी मिलता है, गवर्नमेंट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ ONGC में करें, IOC में करें अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी चाहते हैं, साथ साथ कोल इंडिया में इन्वेस्ट करें। ये सारी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।